आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, बीए सेकेंड ईयर में हिंदी सब्जेक्ट में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ अति लघुत्तरीय प्रश्न। बीए सेकेंड ईयर हिंदी में जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग आज के इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको इन क्वेश्चनों में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। और हाँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों से टाइम लेना चाहूँगा, दो सेकेंड दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर जितने भी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं इस वेबसाइट पर प्रोवाइड करता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, जिसको आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट की बात करना चाहूँगा, ये मैंने नया चैनल ओपन किया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ओपन तो कर दिया है और मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो भी डाल दी है। तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर भी आपको हिंदी न्यूज और बहुत सारी वीक अपडेट मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन जो पहला है अति लघुत्तरीय का, देखो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अति लघुत्तरीय जानेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आएगी तो उसमें लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद कब से कब तक माना जाता है? तो आई होप आप लोगों को मालूम ही होगा कि प्रगतिवाद युग जो है वो कब से कब तक माना जाता है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, और जिन स्टूडेंट को मालूम प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये प्रगतिवादी युग है, ठीक है, युग नहीं लिखा है तो आप समझ जाइएगा प्रगतिवादी युग ही की बात हो रही है। तो कुछ क्वेश्चनों का राइट आंसर मैं फिलहाल बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन कुछ क्वेश्चनों का आंसर आप लोग खुद से सर्च करना है। आपने क्वेश्चन बैंक नहीं परचेज की है मार्केट से तो परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। सीरीज आ गई होगी आपके मार्केट में, उसे खरीद लीजिएगा, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 1936 से 1943 तक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 से 1943 तक हमारा प्रगतिवाद युग था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का क्या नाम था? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पुत्री का जो नाम था वो क्या था, जिन स्टूडेंट को मालूम प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब क्वेश्चन आपके 10th और 12th वाले ही हैं, ठीक है, 10वीं और 12वीं वाले थोड़ा एडवांस लेवल में आते हैं, बस थोड़ा आपको रिपीट करना है, बस जो एग्ज़ाम आपके 10th और 12th में आते हैं हिंदी में वही सब कुछ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मैं आपको बता दूँ 20 मई को, ठीक है, 20 मई सन, ठीक है, 1900 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये भी क्वेश्चन है, कहाँ पे? तो आप इसमें लिखेंगे अल्मोंडा जनपद के कौसोनी नामक ग्राम में, ठीक है, अल्मोंडा, ठीक है, हो गया अल्मोंडा, कौसोनी गांव में हुआ था। मैं लिख देता हूँ फिलहाल, मैं इनका जो राइट आंसर है मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं वेबसाइट पे सारे क्वेश्चन डालूँ, ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका आंसर मैं फिलहाल सर्च करके डाल दूंगा, ठीक है। तो उसको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें शायद आंसर भी मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी आप लोगों को मालूम है किसकी रचना है, तो ये युग पूछ रहा है। तो कामायनी जो है वो छायावाद युग की रचना है, ठीक है, छायावाद युग की, कामायनी छायावाद युग की रचना है। और किस सन में ये रची गई थी, मतलब कब बनाई रची रचना हुई थी इसकी, वो हुई थी 1936 में, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज परिवार से पंत जी का घनिष्ठ संबंध था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप जिले के काला कंकार राजपद से, राज परिवार से, ठीक है, प्रताप जिले के काला कंकार राज परिवार से पंत जी का घनिष्ठ संबंध था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रामकथा पर आधारित निराला की रचना का नाम बताइए। तो बस इतने क्वेश्चन का मैं राइट आंसर बताऊंगा। आप जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं इनका सबका आप नोट डाउन करना चाहे तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा कहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों को रचनाएँ बतानी है, रामकथा पर आधारित निराले की रचना नाम बताइए। फिलहाल चलिए मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को इसका भी आंसर। राइट आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा, शक्ति पूजा। रामकथा पर आधारित निराला की रचना का नाम है राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये निराला जी के कवि जीवन का आरंभ किस कविता से हुआ है। तो जो हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, उन्हीं का शॉर्ट नाम है ये निराला जी लिख दिया गया है। तो उनका जो प्रारंभिक मतलब कि यानी जब उनका जीवन स्टार्ट हुआ तो किस कविता से हुआ था, तो उसका आप लोगों को लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया आप लोगों को बताना है, किसके नाम पर किया गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया था या महाप्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जो हमारे त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कहाँ कब और कहाँ पर हुआ था इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नई कविता के प्रमुख कवियों का नामों लिख कीजिए। नई कविता एक हमारे उसमें कविता है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को जो उसके प्रमुख कवि हैं नई कविता के उनका आप लोगों को नामोल्लेख मतलब कि उनका नाम लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, अज्ञे की संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो जो अज्ञे जी हैं उनका आप लोगों को संक्षिप्त परिचय बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को अज्ञे, ठीक है, संक्षिप्त परिचय में यही हो जाएगा उनका क्या फुल नेम क्या था, पूरा नाम क्या था और उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब उनका निधन हुआ था और उनके माता पिता का नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है, उनकी कृतियाँ क्या थी, बस और कुछ खास नहीं है, ठीक है, 3-4 लाइन में आ जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो प्रयोगवाद जो युग है उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है इसको आपको लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहां पर हुआ था। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनका जन्म कब और कहां हुआ था ये बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब और कहां हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है उनको आप लोगों को नाम लिखना है, जितने भी केदारनाथ की अग्रवाल जी की रचना है उनके नाम लिखना है पॉइंट वाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल को निराला ने क्या कहकर संबोधित किया। तो बादल को निराला जी ने क्या कहा था ये आप लोगों को आपके सीरीज में यानी कि ऑनलाइन भी सर्च कर लेंगे तब भी मिल जाएगा या आपके क्वेश्चन बैग में भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत जी का कौन सा महाकाव्य लोक जीवन का महाकाव्य है। तो महाकाव्य जो है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पंत की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। तो कंप की जो पंत जी की जो काव्य भाषा है उस पर आप लोगों को 2-4 लाइन लिखने हैं, ठीक है, काव्य भाषा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो मैथिली शरण की जो प्रमुख रचनाएं थी उनके आप लोगों को नाम लिखना है पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं लिखना है, बस नाम लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के अंतिम सर्ग का नाम लिखिए या क्या नाम था, ये भी यह क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो आप लोगों को ये लिखना है। दोस्तों बस आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो मुझे लगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को क्वेश्चन ही बता देते हैं कि आइडिया जिससे आपको लोगों को लग जाए
कि हाँ किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन अति लघुत्रीय थे जो कि मुझे आप लोगों तक पहुँचाने थे, मैंने वीडियो के जरिए इन्फॉर्मेशन कर दिया कि हाँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को वेबसाइट पर मैं डालने की कोशिश करूँगा और ये PDF भी आप लोगों को वहीं वेबसाइट पर मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग पा सकते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट पे विजिट करके कोशिश करिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। और हाँ, आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चन और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, मैं और भी क्वेश्चन और वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बस आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में, यही सब क्वेश्चन। आपको कैसा लगा मुझे अब आप लोग बताइए कि मैं जो क्वेश्चन इस वीडियो में सारे थे, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर भी बताऊं या ना बताऊं, आपको कमेंट में हमें बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।